गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा के मैथ्स वाले सेक्शन पर चलेंगे। मैथ्स में आपका जो चैप्टर्स है वो लिमिटेड है, जिन चैप्टर से आपसे पूछा जाएगा जैसा सिलेबस में मेंशन किया गया, और पिछली बार जो परीक्षा हुई है उसके आधार पर भी उसमें रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, उस पर बेस्ड आपका एलिगेशन का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का है, एवरेज का क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और नंबर्स पर कुछ बेस्ड, नंबर कैलकुलेशंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। उन्हीं के बेसिस पर जो सिलेबस में मेंशन किया गया है उस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपको, ये बतलाते हैं इसका तरीका कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि x y से 20% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है बतला दो। इसमें क्या करते हैं, एक नंबर हम लेते हैं y और एक नंबर लेते हैं x। हम y को 100 मानते हैं, इससे 20% कम है x, यानी 100 में अगर 20 घटेगा तो 80 होगा। तो 80 से अगर 100 की बात करेंगे तो ये 20 ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रश्न यह है कि y x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए, y जो है 100 है, x 80 है, तो 80 से ये 20 ज़्यादा है। तो 80 में अगर 20 अधिक होगा, परसेंटेज की बात करेंगे तो हम 100 की बात करेंगे, तो 100 में कितना होगा, 100 गुना 20 बटा 80, ये चार बार जाएगा, ये हो गया आंसर, हो गया 25%। ऑप्शन सी रहेगा इसमें आंसर। तीन कारों की चाल का अनुपात 3-4-5 है, एक समान दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा ये बतला देना। जैसा आप जानते हैं कि दूरी बराबर ये जो रहेगा वो चाल गुना समय होता है। यहां पर चाल का जो अनुपात है तीनों गाड़ी का वह दिया हुआ है 3:4:5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और दूरी चूंकि समान है तो ऐसा करना है कि सबसे कट जाए, एलसीएम ले लेंगे, 5 × 4 = 20 × 3 = 60, ये 60 हम दूरी मान लेते हैं क्योंकि समान दूरी है, 60 लेंगे, तो 60 बराबर 3 × 20, 60 बराबर 4 × 15 और 60 बराबर 5 × 12, यानी इनके समय का जो अनुपात होगा वह 20:15:12, ऑप्शन नंबर बी। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:4। इस तरह का क्वेश्चन जब भी एज वाला रेशियो में पूछेगा ना, आप सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया उस पर ध्यान दीजिए। ए की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का जो अनुपात है उसमें ए है 5, तो ए का जो भी आंसर आपका रहेगा वो 5 का मल्टीपल, 5 का गुणक होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन है मेरे पास 5 का गुणक, आंसर दे देंगे आगे बढ़ जाएंगे, जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने का। मान लीजिए दो ऑप्शन होता जो 5 का मल्टीपल होता, तब क्या करते, 2 वर्ष पूर्व एक इनका अनुपात था 4:3, यानी ये 2 साल घटाएंगे, तो अगर आप ये 10 मान रहे थे तो ये 8 हो जाएगा, 2 साल पहले ये आदमी 8 साल का होगा, ये 6 का होगा, रेशियो हो गया 4:3, तो वो आपका सेट कर जाना चाहिए, सेट हो गया, आपका बन गया था 10, वो तो पहले ही आंसर हम लोग टिक कर दिए थे। 9 संख्याओं का औसत है 20, तो आप जानते हैं टोटल संख्या औसत 20 है, तो 9 × 20 = 180, यानी 9 संख्याओं का योग जो रहेगा 180 होगा, इसमें से एक संख्या 18 है, इसे क्या करते हैं 36 में बदल देते हैं, यानी 18 अधिक कर देते हैं, तो 18 अधिक कर देंगे, ये 18 अधिक कैसे आया, तो 36 है, 18 था उसको 36 में बदल देंगे तो 18 अधिक हो जाएगा, अब हो जाएगा 198 इनका जोड़। संख्या तो 9 का 9 ही रहेगा, यहाँ पर 198 को 9 से भाग देंगे तो 22 हो जाएगा, तो नया औसत हो गया आपका 22, नया औसत 22 हो जाएगा। यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 40% है, मान लो ये रहा मूलधन, साधारण ब्याज 40% मतलब 40 है, ये हम लोग मान लिए मूलधन है, और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, कितने वर्षों में वह मूलधन के बराबर हो जाएगा, ये आपका दिया हुआ था 5 वर्ष में, तो मूलधन के बराबर का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट जो रहेगा वह 100 हो जाना चाहिए। तो आप चाहें तो यहीं पर से काम कर सकते हैं इस तरह से, 40 से 100 जो है वो 2.5 गुना होता है, तो इसका भी 2.5 गुना कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, इसका 2.5 गुना करेंगे, 5 का 2.5 गुना, ये 12.5 वर्ष में हो जाएगा, 12 वर्ष 6 महीना, या आप ऐसे भी सोचिए
अगर 40 वृद्धि होती है 5 वर्षों में, तो 100 वृद्धि होगी कितने में? यही काम हमने वहां पर ऐसे ही कर दिया, 100 गुना 5 बटा 40 जाएगा, ये आपका कट जाएगा, 20 से कटेगा 2 बार, ये कटेगा 5 बार, ये 25/2, 25/2 का मतलब हो गया 12.5, 12 वर्ष 6 माह, ये आपका उत्तर था। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, वह है कि प्रतिशत में देखिए अंतर है। एक गांव की जनसंख्या मान लो 100 है, उसमें 10% की पहले वर्ष कमी होती है, 90 होगा, फिर इसमें 10% की फिर कमी होगी, तो 9 इसमें घट जाएगा, 81 होगा। तो ये दिया हुआ है कि अगर ये 100 यूनिट बराबर 12,500 है, तो 81 यूनिट बराबर कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। ये कितना होगा बतला दूंगा। वर्तमान में जनसंख्या क्या है, जनसंख्या में 10% वार्षिक कमी होती है, 2 वर्ष पहले इसकी ये जनसंख्या थी, ये वर्तमान में हो गई, ये रहा 2 वर्ष पहले, ये रहा 1 वर्ष पहले, ये रहा 1 वर्ष पहले, और ये रहा वर्तमान, ये आपका वर्तमान। ये पूछा गया कितना होगा बतलाओ, तो ये आपका दिया हुआ है 100। देखिए 100 बराबर 12,500, तो 81 बराबर कितना, 12,500 गुना आपका ये रहेगा गुना 81/100, 0 0 काट दो, 125 गुना 81, ये गुना कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 125 गुना 1, 125 12 बचेगा 800, 1000, 1012 यानी 10,125, ये रहेगा आपका उत्तर। तो इस तरह से ना 12,500 में 10% घटाओ, फिर जो वैल्यू आएगा उसमें 10% घटाओ, तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग सीधा इस तरह से काम करके कर लेते हैं। अभी तो नंबर 12,500 में था, इसलिए मान लीजिए कभी कभी यहाँ 10 घटाएगा, फिर कहेगा 8% घटाओ, 9% घटाओ, तो उस केस में ना वो घटाने में डेसिमल में ज़्यादा जाएगा समय, इसलिए हम लोग सीधे ऐसे काम करते हैं और फिर 100 में घटाते हुए अपना निकल जाते हैं, आंसर दे जाते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि 6742 गुना 9,999। देखिए जो 9,999 है, 1 2 3 4, 4 0, 10,000 में 1 कम है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 6742 को अगर हम 10,000 से गुना करते हैं, तो 6742 1 2 3 4 0, और उसमें से एक बार 6742 घटा देते हैं, इसमें आपका काम हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, ये 1, ये 4, ये 7, ये 6, तो 6741 6741 ये रहा आपका आंसर। उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें जो 64, 130 और 240 को विभाजित करने पर शेष जो रहेगा वो समान होना चाहिए। तो मान लीजिए ऑप्शन में 20 लेते हैं, अगर 64 को भाग देंगे हम 20 से ना, तो 20 दिया 60, 4 रिमाइंडर, इसमें देंगे तो 120, 10 रिमाइंडर, ये एक जैसा नहीं हुआ, ये हटा दो। अगर हम 22 की बात करेंगे तो 22 से अगर भाग देंगे तो 22 गुना 44, 20 रिमाइंडर, 22 गुना 5, 110, अगला तो 132 होगा, तो यहाँ फिर 20 रिमाइंडर, 22 से चलेंगे 10 बार जाएगा 220, फिर 20 रिमाइंडर, यानी सब में बराबर रिमाइंडर आ गया, तो शेष हर एक में समान रहा, वो संख्या कौन थी, तो आंसर हो गया 22 है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको और मन है आगे चेक करने का, हम 24 की बात करेंगे, तो 24 दुना 48 जाएगा, 48 के बाद यहाँ 16 बचेगा, 24 गुना 5 ये नहीं जाएगा, बराबर नहीं आया। 26 की बात करते हैं तो 26 दुना 52 12 बचेगा, 26 गुना 5 130 तो पूरे पूरी कट गया, ये सब तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश महेश से दोगुना तेज काम करता है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखिए आ गया। टाइम एंड वर्क का ना बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा है, कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप ऐसे बनाएं, जो नाम है यहाँ लिखें, ये रमेश, ये महेश, ये टोटल काम हो जाएगा कुल कार्य, ये इनकी एफिशिएंसी, कार्य कुशलता जो कहते हैं ना, ये इनकी कुशलता या एफिशिएंसी होगा, और ये लगा हुआ समय जो दिन लगता है। वो कहता है यदि महेश इस काम को रमेश महेश से दुगना तेज काम करता है, यानी महेश अगर एक दिन में एक काम करता है तो ये 2 काम करता है, महेश इस काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो यहाँ पर क्या करना है, 12 गुना 1 बराबर 12, तो यहाँ पर 6 गुना 2 बराबर 12, अगर रमेश और महेश दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 2+1 3 काम हो जाएगा, तो 12 काम टोटल है, एक दिन में 3 काम करेगा,
तो चार दिन में ही लोग काम कर लेगा, 12/3 ये चार काम, चार दिन में आपका काम हो गया। ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। एक वस्तु के क्रय एवं विक्रय मूल का अनुपात 11:9 है। तो ये मान लीजिए क्रय मूल है और ये जो लाभ या हानि होता है वो है, और ये रहा विक्रय मूल है। इसका रेशियो जो है वो 11:9 है क्रय और विक्रय मूल्य का। इसका मतलब नुकसान हो गया, 11 में 9 घटाएंगे 2 का नुकसान है, तो 11 में 2 का नुकसान है, तो प्रतिशत हानि पूछ रहा है। ये नुकसान है, ध्यान रखिएगा, 2 का नुकसान है, तो 100 में कितने का नुकसान होगा, 100 - 2/11 यानी माइनस में जाएगा, 200/11 नुकसान है, इसलिए माइनस में है। तो यहाँ नुकसान पूछा ही गया, हानि पूछी गई है, इसलिए वो माइनस हटा दीजिए। 11 × 1 = 11, 9 बचेगा 90, 11 × 8 = 88, 2 बच गया 2/11, ये रहा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वह चक्रवृद्धि ब्याज पर है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना कि मान लो एक अमाउंट है, कुछ लिया हम, एक मूलधन ले लिए, कहता है 5 वर्षों में वह दुगना होगा, 200, ये समय लगाया 5 वर्ष, यहाँ पर यह हो गया दुगना। तो अगला जो अब ये मूलधन हो जाएगा उस केस में, क्योंकि उस केस में ये आपका मूलधन हो जाएगा, अब ये फिर 2 वर्ष चलेगा तो ये फिर दुगना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर इसके बाद जब चलेंगे तो अब ये मूलधन काउंट हो जाएगा, फिर 2 वर्ष चलेगा तो फिर दुगना हो जाएगा आपका, 800 हो जाएगा फिर 5 वर्ष में। तो जो ओरिजिनल मूलधन है ये हो गया 100 से 800, 100 से 800 का मतलब 8 गुना, ये 100 से 800 मतलब 8 गुना हो गया। इसमें इसने समय कितना लिया वो देख लीजिए, 5 साल, 5 10 साल और 5 15 साल, ये टोटल कितना समय लगा, तो 15 साल में काम हो गया आपका। यदि कोई धनराशि का चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज के बीच 20% वार्षिक दर से 4 वर्षों में अंतर 684 रुपया है तो वह धनराशि कितनी है ज्ञात करो। ये 100 रुपया ले लेते हैं मूलधन, दोनों के लिए समान धनराशि है, मेंशन करता है कोई धनराशि, एक ही धनराशि है सबके लिए, वो मानकर चलिए। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 20% अगर आपका 4 साल में गया तो 20 × 4 80% बढ़ गया, ये 180 हो गया। लेकिन जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पर आएंगे तो 20% बढ़ने का मतलब 20 बढ़ेगा 120, फिर इसका जब 20% लेंगे तो 12 × 24 बढ़ेगा, यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, 12 हुआ 12 × 24, ये 120 और 24 144। फिर जब इसका 20% बढ़ेगा, देखिए परसेंटेज का तरीका है, इधर से चलो एक डेसिमल लगाते हैं तो 10% होता है, यानी 14.4, 20% का मतलब दुगना होगा 28.8, 144 में 28.8 जोड़ दीजिए तो 144 और 20 164 172 172.8 हो गया। अब फिर इसका 20% जब आप लेंगे, 4 साल चलना है, 1 2 3 4 साल हो गया, फिर इसका 20% लेंगे, फिर एक डेसिमल यहाँ बढ़ेगा, 17 रुपया 28 पैसा, इसको दुगना कर दीजिए 34 रुपया 56 पैसा। अब इसमें जोड़ते हैं 8, एक मिनट, इसमें जोड़ते हैं ये 6, 8 × 5 = 13 का 3 हाथ में 1, 4 × 2 = 6 = 7, ठीक है, और 7 हो गया, 17 × 3 = 20, 207 रुपया 36 पैसा। सिंपल इंटरेस्ट में ये 180 हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट में 207 रुपया 36 पैसा हुआ, यानी 20 और 7 = 27 रुपया 36 पैसा बढ़ गया, 27 = 36 बढ़ गया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जब आपने मूलधन 100 लिया था तो 27 रुपया 36 पैसा बढ़ा था, तो 27 रुपया 36 पैसा बढ़ा जब मूलधन 100 लिए, तो यहाँ पर कहा 684 रुपया बढ़ेगा, तो उस केस में होगा 100 × 684 / 27.36। अगर ऊपर नीचे हम 100 से गुना करते हैं तो इसका डेसिमल हट जाएगा, यानी तब बचेगा 100 × 684 × 100 / 2736, 6 से चलेगा ये अगर चलेंगे तो 4 × 4 = 16, 1 = 32, 1 = 33, 3 = 24, 27, ये आपका 4 बार, ये काट दीजिए 25 से, यानी 2500, इसमें आंसर था 2500। तो इस तरह के सेट में ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन होगा जो थोड़ा कैलकुलेशन होगा और कुछ क्वेश्चन होगा जो आप ऐसे ही ट्रिक से अपना काम करके निकाल सकते हैं, उसको जल्दी में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट में कहा गया कि रमेश कीमत के 10% छूट पर कार खरीदता है, ये मान लो है,
10% छूट पर कार खरीदा यानी 90 यूनिट में खरीदा, और फिर कहता है कि और कीमत से 20% ऊंचा, ये 20% ऊंचा यानी 20 और बढ़ गया, 120 में बेचा। तो 90 का सामान अगर 120 में बेचा तो 30 का फायदा हुआ, 90 में अगर उसे 30 का फायदा होगा तो प्रतिशत लाभ है, प्रतिशत लाभ मतलब 100 में कितना लाभ, तो 100 में उसको कितना लाभ होगा, 100 गुना 30 बटा 90, ये 100 बटा 3 का लाभ हो गया प्रतिशत में, तो 33.1% ये आंसर। निम्नलिखित भिन्न में से कौन सही आरोही क्रम में है बतला दो। तो इस तरह का जब देखिए चारों ऑप्शन पे एक नजर डालिएगा तो चारों ऑप्शन में सेम नंबर है, 13/14, 15/17, तो करना क्या है इसको 13/14, 15/17, 19/20। अब इसमें बार बार अब एक एक हर एक में निकालते जाएंगे, एलसीएम निकाल कर क्यों जाएंगे, सिंपल वे में काम करेंगे, 130 14 से भाग देते हैं, दशमलव आया तो जीरो बैठ गया, 14 × 9 126 हो गया आपका, 4 बच गया, 40 में जाएगा तो 14 × 3 = 42, ज़रूरत पड़ेगा तो और जाएंगे अप्रॉक्स में, ये फिर पॉइंट आया 150 हो गया यहाँ, 17 से जब भाग लेकर के देखिएगा इसमें 17 × 9 जो रहेगा वह तो 153 होगा, यानी 17.8 में ही काम हो जाएगा, 0.8 में ही काम होगा। जब 19/20 की बात करेंगे तो फिर ये पॉइंट आया 190 आ गया आपका, 190 जब 20 से भाग देकर चलिएगा, 9 × 2 = 18 और फिर 100 बचा ये 5, बोले इसमें सबसे छोटा वैल्यू जो है वो 0.8 आया 15/17, आरोही क्रम है तो छोटा से बड़ा चलना है, तो 15/17, इसके बाद 0.93 वाला है 13/14 और तब ये आपका 0.95 वाला है, ये आपका आंसर था इसमें। इसलिए यहाँ पर वैल्यू पहले निकाल लीजिए पॉइंट में और अप्रॉक्स में चल करके काम कीजिए, उतना एग्जैक्ट जाने का जरूरत नहीं है, अप्रॉक्स से आपका काम हो जाएगा। अब हम उसके बाद के क्वेश्चन पर आते हैं। चांदी पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। देखिए दोनों पानी से रिलेटेड किया गया, अगर ये 19 है तो ये 9 है, ये रहा चांदी और ये रहा आपका तांबा, इनको किस अनुपात में मिलाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं कि चांदी और तांबा का जो मिलाया जाए कि पानी से वह 15 गुना भारी होगा, तो ये मिश्र धातु 15 है, ऐसे लेकर के रूल ऑफ एलिगेशन लेते हैं। ये ना मिक्सचर का वैल्यू होता है, ध्यान रखिएगा, रूल ऑफ एलिगेशन या रूल ऑफ मिक्सचर होता है इसमें, ऐसे एक से छोटा होगा दूसरे से बड़ा होगा, 19 से 15 घटेगा 4 और 15 में 9 घटेगा 6, तो ये 6:4 हो गया, अनुपात छोटी संख्या होती है जो जिसका HCF 1 होना चाहिए, तो ये 2 से कट जाएगा 3:2, यानी आप चांदी का 3 यूनिट और तांबा का 2 यूनिट लीजिएगा, इसलिए 3:2 रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहले चांदी का नाम आया है और बाद में तांबा का नाम आया है, इसलिए पहले चांदी वाला जाएगा फिर तांबा वाला जाएगा, उल्टा नाम रहता तब ये 2:3 आंसर में देते हैं। एक डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने का दावा करता है और 1 किलोग्राम के बदला हुआ 960 ग्राम लेता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल वे में वो 1 किलोग्राम का सामान खरीदा और कहा कि हम जो जितना में खरीदे उतना में बेचते हैं, वो 1 किलोग्राम बेचा लेकिन तौलने में वो थोड़ा सा कम तौल दिया, 960 तौला, तो 960 बेचने पर 40 उसको फायदा हो गया, उसका लाभ यही हुआ, 960 में 40 का फायदा हुआ, तो प्रतिशत लाभ हमने पूछा है, प्रतिशत लाभ का मतलब है 100 में कितना, तो 960 में अगर 40 होता है तो 100 में आपका कितना होगा, 100 × 40/960, ये रहेगा आपका, ये 0 0 काट दीजिए, 4 से कटेगा 24 बार, ये 4 से कटेगा 6 बार, ये 25 बार, 25/6 4.1/6%। देखिए ऊपर में ये नंबर है 0.003, ये गुना है और ये भी गुना है, यहाँ भी ये गुना है, ये उसके बाद गुना करके जोड़ देना है, तो ऊपर नीचे के नंबर में अंतर ये पाते हैं, ये 0.03 है तो ये 0.003 है, इसको 0.03 बनाने के लिए डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ डेसिमल यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो 10 से इसको गुना करेंगे तो शिफ्ट हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा,
10 से इसको भी गुना करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो पूरी चीज़ को अगर मैं 100 से गुना करूँ तो ये 10 और 10 इसके लिए जाएगा, फिर वैसे ही आपका ये 10 इसके लिए जाएगा तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर 10 इससे गुना करेंगे तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर वैसे ही अगर आप लेकर के चलेंगे पूरे चीज़ को, हम पूरे चीज़ को 100 से अगर गुना कर देंगे तो ये चीज़ आपका डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसमें डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, ऊपर 100 नीचे 100, ऊपर नीचे को 100 से गुना कर देंगे तो नीचे वाला 100 से गुना करने पर ये ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो उस केस में आपका ये 100 जो है वो तो मैंने गुना करके डेसिमल हटा दिया, शिफ्ट कर दिया, ये हट गया, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो एक बचा, एक गुना 100 बराबर 100, इसमें आंसर आपका 100 था। एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में, ये गणित है, और 80% छात्र भूगोल है। तो अगर 70% यहाँ आया और 80% यहाँ आया तो 150% हो गया। इसमें कुछ मेंशन देखिए, एक तो ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड या तय नहीं कर सकते दिया हुआ है नहीं, अगर वो रहता तो हम पहले उसे आंसर देते, वो मेंशन है नहीं, इसका मतलब बाहर का वैल्यू जीरो लेंगे। तो अब ये 100 होना चाहिए सब मिला करके, 100% है चूंकि प्रतिशत में है, 70, 80, 150 है, 100 से 50% ज़्यादा, तो बीच वाला वैल्यू 50% का, इधर 30% का, इधर 20% का, और ये वाला वैल्यू आपका दिया हुआ है, ये वैल्यू आपका मेंशन किया हुआ है 160। तो 50% बराबर 160 आदमी है, 160 छात्र है, तो 100% बराबर 320 छात्र रहेगा, ये आपका आंसर होगा 320। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ कि यदि 16 किसी प्राकृतिक संख्या की सूची में जोड़ दिया जाता है तो उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो मान लीजिए संख्या है n, उसका औसत है a, तो n गुना a इसका जोड़ आएगा कुछ भी। इसमें कहा गया कि अगर मैं इसमें 16 ऐड कर दूं तो 16 जब ऐड करेंगे तो ये संख्या भी n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या आपने जोड़ दिया, गुना इसका एवरेज में 3 की वृद्धि होगी, a प्लस 3 हो जाएगा। और इसके बाद जब आप कहता है कि फिर आप इसमें 14 जोड़ दो, 14 जोड़ दो, तो ये वाला वैल्यू अब यहाँ चला जाएगा, तो इस केस में ये जो वैल्यू होगा एक और नंबर बढ़ेगा तो n प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कहता है कि अब औसत में एक अधिक होगा, इस औसत में यानी a प्लस 3 में एक ज़्यादा बढ़ेगा तो a प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3 बढ़ा और यहाँ पर आपका इसमें 1 बढ़ा, 3 × 4 हो गया। तो अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब ये अगर हम इसमें सोचे इस संख्या में 16, 14, 30 बढ़ा दें तो इसके बराबर हो जाएगा, तो n इंटू ए इज इक्वल टू, इसमें 30 बढ़ा देंगे, सोचिए n इंटू ए में अगर मैं 30 बढ़ा दूँ तो इसके बराबर हो जाएगा n प्लस 2 गुना a प्लस 4। इसको अगर आप सॉल्व करें तो एन ए प्लस 30 बराबर एन ए प्लस 4n प्लस 2a प्लस 8। एन ए एन ए कैंसिल कीजिए, इसको इधर बुला लीजिए, 22 बराबर 4n प्लस 2a, दो कॉमन है, 11 हो गया, 2n प्लस a, तो 2n प्लस a बराबर 11 है, a बराबर 11 माइनस 2n है। तो आप चाहें तो a बराबर 11 माइनस 2n कहाँ भी वैल्यू पुट करके वो वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इसमें से अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप इसमें 2n प्लस a बराबर 11 आता है, आप ऑप्शन के हिसाब से अगर चलेंगे, ए अगर आप ये देखिए कितनी संख्या है, यानी यहाँ पर n का वैल्यू मैंने आपसे पूछा है, अगर मैं इसको 2 लेता हूँ तो 2 × 2 = 4, a का वैल्यू 7 होगा, यानी अगर यहाँ 2 लेंगे तो ये आपका यहाँ पर 7 होगा, यानी 7 × 2 = 14। हम एक एक करके चेक कर लेते हैं, अगर पहले ही वाला सही हो गया तो बड़ा आराम हो जाएगा, 14 में 16 जोड़ेंगे 30, यहाँ पर n का वैल्यू 2 में 1 बढ़ेगा 3, और ये 7 × 3 = 10, 3 × 10 = 30, फिर इसमें 14 जोड़ेंगे 44, इसमें एक और बढ़ जाएगा, यहाँ पर n में 2 था तो 2 × 2 = 4 हो गया, और यहाँ 7 × 4 = 11 = 44 सेट कर गया, यहीं पर इतना ही में सेट कर गया, फिर ज़रूरत नहीं था, यानी कुल 2 संख्या थी जिसका औसत 7 था, टोटल वैल्यू 14 हो गया, 16 जोड़ दिए तो 30 आ गया, तो इसमें एक संख्या बढ़ गई, 3 हो गया, और औसत में 10 हो गया औसत, अब 3 बढ़ गया यहाँ पर। इस तरीके से सेट करके आप अपना काम कर सकते हैं,
इसको ना हम ऐसे भी हम लोग सोच सकते थे, जैसे मान लो हम दो लेते हैं और हम 16 बढ़ाते हैं तो एवरेज 3 बढ़ता है, दो पुरानी संख्या एक नई संख्या, तो दो और एक 3 संख्या हो गई, एवरेज 3 बढ़ा तो 3 3 9, 16 में 9 तो बढ़ाने में लगा दिया, यानी पुराना एवरेज 7 था, तो ये पुराना वाला एवरेज 7 डाल दिए, संख्या 2 डाल दिए, उससे सेट कर दिए। वैसे करके ऑप्शन से 3 4 6 को भी अगर सेट करते नहीं सेट हो पाता आपका, संयोग से पहला ही वाला ऑप्शन था, आंसर बन गया। एक गांव में 30% महिलाएं अशिक्षित हैं, गांव की कुल जनसंख्या 6000 है, ये दिया हुआ है, जिसमें पुरुष और महिला का अनुपात, ये पुरुष है और ये महिला है, अनुपात है 1:2 और 1:3। देखिए जब कभी भी फ्रैक्शन में रेशियो आपका ऐसे दिया जाता है तो इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, 3 × 6, ठीक है, तो आप दोनों में 6 और 6 अगर गुना करते हैं, इधर भी 6 से गुना करें, इधर भी 6 से गुना करें, तो ये हो जाएगा आपका 3:2। दो वाले में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काम होता है, 3 वाला रहता है तब एलसीएम लेके निकाल लेते हैं, तो इसमें 3:2, यानी 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, तो 3 और 2 5 यूनिट, 6000 को 5 से भाग दीजिएगा 1200, तो 1236 और ये 1224, यानी कुल 2400 महिलाएं हैं। उस 2400 महिलाओं में, ये 2400 महिलाएं हैं, इसमें 30%, 10% हुआ 240, 30% हो गया 720, 720 महिलाएं अशिक्षित हैं, तो कुल अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है, आंसर 720। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में दुगनी होती है, मान लो ये मूलधन 100, ये 200 हो गया दुगना, 6 तो देखिए 100 बढ़ता है इसमें कितने वर्ष में, 6 वर्ष में, तो फिर अगला जो 6 वर्ष होगा उसमें फिर यही 100 बढ़ेगा तो ये 300 हो जाएगा, फिर ये 100 बढ़ेगा तो इसमें फिर आपका 6 वर्ष और लगा देगा तो अब ये 400 हो गया, तो इस केस में कहता है कि तो यह अपने से 4 गुना, यहाँ तो अपने से दुगना हो गया और यहाँ जब आया तो अपने से 4 गुना हुआ, तो अपने से 4 गुना होने के लिए कितना समय लिया, 6 वर्ष यहाँ, 6 वर्ष यहाँ, 6 वर्ष यहाँ, 3 बार रहा तो 6 × 18 वर्ष ले लिया। ए बी और सी का औसत उम्र जो है वो 40 साल है, यानी 3 × 40, 3 आदमी है, 1 2 3, 120 हो गया। ए और बी का औसत उम्र है 35 वर्ष, 2 आदमी है, 35 है तो 35 × 70, अब सोचिए तीनों का जोड़ 120 है और 2 आदमी का जोड़ आपका 70 है तो जो तीसरा आदमी है उसका 50 हो गया। फिर कहा गया बी और सी जो है ना इसका औसत उम्र दिया है 42 साल, तो 42 × 2 = 84 हो गया, तो 84 में ध्यान रखिएगा सी का वैल्यू 50 निकल चुका है तो बी का वैल्यू 34 होगा, ये 34 हो जाएगा, 50 34 84, 120 चाहिए तो ये रहा 36, 3 3 6 5 11 हो गया आपका तैयार। क्वेश्चन है बी की आयु कितनी है, आंसर है 34 वर्ष, ए की आयु पूछते तो 36 वर्ष और सी की आयु जो है वह 50 वर्ष है। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1877 है, मध्य वाली संख्या ये है मध्य संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं ध्यान रखिएगा, लगातार ठीक है, कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर्स है, इसका बीच का नंबर का आपको स्क्वायर बतलाना है तो ऑप्शन से उठाइए, मान लीजिए 20 होता तो ये 19 होता, ये 21 होता, इसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट 1 होता, इसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट 0 होता, इसका 1 होता, तो अगर हम ऐड करेंगे लास्ट डिजिट को तो 101, ये तो 2 होता, आपका लास्ट डिजिट 7 होना चाहिए। अगर नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं जो आपका 25 है, ये आपका 24 है और ये रहेगा 26, मिडल वाला 25 है, प्रश्न पूछा गया मध्य में कौन सी संख्या है, इसका हुआ 4 × 4 = 16, इसका लास्ट डिजिट में जाएगा आपका 5 × 5 = 25 और ये 6 × 6 = 36, तो इस केस में 6 × 5 = 11 = 6 = 17, इसका अंतिम अंक 7 होगा और 7 है मेरे पास यहाँ पर, और अगर आगे चेक करते हैं 28 होगा, ये 27 होगा, ये 29 होगा, 7 × 7 = 49, 9 रहेगा, 8 × 8 = 64, 4 रहेगा, 9 × 9 = 81, 9 × 4 = 13, 1 = 14, अंतिम अंक 4 रहेगा, और एक ऑप्शन 34 बच गया, इसको अगर आप चेक करते हैं 34 33 और 35, इसका अंतिम अंक रहेगा 9, इसका 6 और इसका 5, 9 × 6 = 15 × 5 = 20, तो आपके पास यही एक नंबर था जिसका अंतिम अंक 7 आ रहा था, आंसर हो गया। अगर दो ऐसी संख्या हो जाती अंतिम अंक 7 आता
तब आप गुना करके उसको चेक कर लेते और तब उसमें आप बना सकते थे। ये आपका वैरायटी हो गया। कुछ क्वेश्चंस हमने बताया आपको मैथ सेक्शन में, आज यहीं तक रखेंगे, फिर अगले दिन फिर दूसरा कोई चैप्टर, कोई दूसरा सेक्शन लेकर के चलेंगे। धन्यवाद।